हाय, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे सिर्फ 6 वीक्स के अंदर आप आपके सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सबसे इजी और सबसे फेवरेट बना सकते हो बाय जस्ट यूजिंग दीज 4 टेक्निक्स। माय नेम इज भुवन धनेशा। आई एम अ मेमोरी एंड क्रिएटिविटी एक्सपर्ट एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प यू एंड टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स टू मेक ध्यान स्टडीज सुपर इजी। बिफोर आई गो फॉर द 4 वेज जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, लेट मी टेल यू द नंबर 1 मिस्टेक जो आप सब करते हो। मैंने ये देखा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जब अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स को लर्न करते हैं, दे डू दिस क्लासिक मिस्टेक जिसकी वजह से वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाता है। और वो ये है कि आप डायरेक्टली उसके क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने जाते हो विदाउट इवन रीडिंग द फुल चैप्टर। सी फ्रेंड्स, आपके लिए वो सब्जेक्ट डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही आपके माइंड में क्लियर नहीं है। आपने उसका कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर, उसके सब पॉइंट्स अंडरस्टैंड ही नहीं किए हैं और डायरेक्टली जब आप उसके क्वेश्चन आंसर्स करने जाओगे, इट विल एंड अप बिकमिंग मोर डिफिकल्ट फॉर यू। सो होगा क्या कि आप उसका कॉन्सेप्ट तो आपके माइंड में क्लियर नहीं है, यू विल एंड अप रट्टोफाइंग एवरीथिंग। आप मगअप करोगे, रट्टा मारोगे, कुछ दिन के लिए याद रह जाएगा, बाद में वापस भूल जाओगे, फिर वापस आप रट्टा मारोगे और वो साइकिल चलती रहेगी। और इन दी एंड आप क्या कहोगे, बॉस दिस सब्जेक्ट इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे ये नहीं करना है। एंड दिस इज वाई आई टेल यू डोंट डू दिस। द नंबर 1 सजेशन फ्रॉम माई साइड बिफोर आई गो टू द 4 गोल्डन वेज इज वेरी सिंपल। पहले वो चैप्टर को रीड कीजिए, बाद में आप उसके क्वेश्चन आंसर्स पे जाइए, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू। और ये जो मैं 4 वेज आपको देने वाला हूं, उसमें से जो फर्स्ट 2 वेज है वो उसी के ऊपर है कि कैसे वो चैप्टर को रीड करना चाहिए। सो लेट्स गो इनटू द फर्स्ट वे। द फर्स्ट वे टू मेक योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट वेरी इजी एंड दैट इज नथिंग बट स्पीड। स्पीड हैज डायरेक्ट रिलेशन विथ योर अंडरस्टैंडिंग, विथ योर मेमोराइजिंग, बिकॉज योर ब्रेन लव स्पीड। आप जो चीजें जितनी स्लो रीड करोगे वो उतनी ही कंफ्यूजिंग होती जाएगी, और जो चीजें आप स्पीड में रीड करोगे आपका माइंड उसके लिए और क्लियर होता जाएगा और वो चीज आपके माइंड में इजीली रजिस्टर होना शुरू हो जाएगी बिकॉज योर ब्रेन वर्क्स एट सर्टेन लेवल ऑफ स्पीड। लेट्स से कि आपके ब्रेन की स्पीड है लेवल 10 और आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो आप रीड कर रहे हो, उसकी स्पीड है लेवल 4 या लेवल 3। तो आपके ब्रेन को लेवल 10 की स्पीड चाहिए, आप दे रहे हो लेवल 4 की स्पीड, देन देयर इज अ गैप। और वो गैप को भरने के लिए ब्रेन तरह तरह के थॉट्स में जाता है। हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हमको हमारा सिर भारी हो जाता है, हमको लगता है यार ये सब्जेक्ट इतना बोरिंग है, भगवान तूने ये सब्जेक्ट क्यों बनाया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप स्लो रीड कर रहे हो, तो ब्रेन को और कोई भी चीजें चाहिए सो दैट ब्रेन एक्टिव रहे। और उसी को अवॉइड करने के लिए यू शुड रीड योर चैप्टर्स इन मोर स्पीड। आप जिस स्पीड में रीड करते हो उससे 2 times faster, 3 times faster, 4 times faster। इससे और एक बेनिफिट होगा, वो ये है कि आप अगर 1 घंटे में जितना रीड करते थे वही चीज आप 40 मिनट्स में या 30 मिनट्स में या उससे भी कम टाइम में रीड करना शुरू कर दोगे। इससे यह होगा कि आपका टाइम बचेगा। तो जो चीजें आप 1 घंटे में रीड करते थे वही चीज आप 1 घंटे में 2 बार 3 बार या उससे भी ज्यादा बार रीड करोगे। और ये हम सब जानते हैं, जो चीज हम जितनी ज्यादा बार रीड करते हैं उतना वो सब्जेक्ट, वो चीज, वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होते जाता है। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स यू शुड रीड इन स्पीड एंड यू योरसेल्फ कैन चेक। आप एक टाइमर लगा के देख सकते हो कि पहले वही चीज आप स्लोली रीड कीजिए और फिर वही चीज को आप स्पीड में रीड कीजिए। यू योरसेल्फ विल बी एबल टू जज कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, किससे आपको ज्यादा इजीली चीजें समझ में आती है और याद रहती है। तो दिस इज द नंबर 1 वे, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड बी डूइंग। व्हेनेवर यू रीड द सब्जेक्ट विच इज डिफिकल्ट फॉर यू, डोंट रीड स्लोली, रीड इट फास्ट। स्पीड, योर ब्रेन लव्स स्पीड। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड थिंग। दिस इज समथिंग जो हमें हमारे टीचर्स बार बार बोलते हैं, हमें काफी सारे एक्सपर्ट्स ने बताया है और इसकी बहुत सारी जगहों पे चर्चा होती है, बट वेरी फ्यू पीपल रियली इंप्लीमेंट दिस टेक्निक। और अगर जो कोई इंप्लीमेंट करते भी है, मैक्सिमम ऑफ देम यूज इट इन अ रॉन्ग वे, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, एंड दैट इज नथिंग बट की वर्ड्स मार्किंग। ये लगता बहुत आसान है, ये लगता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, बट लेट मी टेल यू दिस इज द की सीक्रेट फॉर मेकिंग एनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट वेरी 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 इजी फॉर यू। लेट मी टेल यू 3 वेज ऑफ मार्किंग द कीवर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि पहले आपको स्पीड में रीड करना है, उसके बाद आपको हाईलाइट करने हैं वो सारे पैराग्राफ्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें आप हाईलाइट मत कीजिए। या तो आप आपके टीचर्स को भी पूछ सकते हो कि इस चैप्टर में कौन से ऐसे पैराग्राफ्स है, कौन से ऐसे पोर्शंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने एक बार हाईलाइट कर दिया। फिर आता है सेकेंड वे, उसमें आपको क्या करना है कि उस पैराग्राफ में से भी जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ उन सेंटेंसेस को ही अंडरलाइन कीजिए। तो जो सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। और फिर आता है थर्ड वे, जिसमें आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के अंदर भी कौन से कीवर्ड्स है सिर्फ उन कीवर्ड्स को ही सर्कल कीजिए या स्क्वायर कीजिए। तो इससे होगा ये कि जो चैप्टर इतना बड़ा था उसमें से आप पहले कुछ पैराग्राफ्स पे आ गए, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस पे आ गए और अल्टीमेटली कुछ कीवर्ड्स पे आ गए, एंड दे आर द मेन वर्ड्स जिससे आपको वो पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इट इज लाइक द रिकैप, हम सीरियल्स देखते हैं तो उसमें प्रीवियस एपिसोड का रिकैप आता है, 2 मिनट के रिकैप में वो पूरे 1 घंटे के एपिसोड का पूरा आइडिया आपको आ जाता है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट रिकैप। सेम वे दीज कीवर्ड्स हेल्प यू टू रिवाइज योर चैप्टर इन अ स्मार्टर वे, इन अ फास्टर वे। जस्ट इमेजिन कल आपकी एग्जाम है और आज आपको रिविजन करना है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर चैप्टर आपको सिर्फ वो की पैराग्राफ्स पे ही फोकस करना है, कितना सारा टाइम बचेगा, आप कितने ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करोगे और जब आप एग्जाम देने जाओगे यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी रियली रिलैक्स्ड एंड एक्साइटेड फॉर दैट एग्जाम। दैट्स व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू मार्क कीवर्ड्स इन दीज 3 वेज। सो फर्स्ट यू हैव टू हाईलाइट द मेन पैराग्राफ्स, सेकेंड इज उन मेन पैराग्राफ्स में से आपको जो मेन सेंटेंसेस है उनको अंडरलाइन करना है, और फाइनली उन सेंटेंसेस में से जो कीवर्ड्स है उन्हें या तो स्क्वायर या तो सर्कल करना है। द थर्ड वे, दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रेजी, वेरी अनयूजुअल एंड माय फेवरेट वे ऑफ लर्निंग एनी डिफिकल्ट थिंग, एंड दैट इज चेन लर्निंग। व्हाट इज चेन लर्निंग? इट इज वेरी सिंपल। अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको डिफिकल्ट लगती है, आप अपने अंदर ही रखते हो, आप उसको किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, क्या होगा? कुछ दिनों के बाद वो सब्जेक्ट आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। उसकी जगह पे कोई एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का, या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो इस सब्जेक्ट में टॉप करता है, उसको वो सब्जेक्ट बहुत पसंद है, उसके साथ अगर आप शेयर करोगे और उसका सपोर्ट मांगोगे कि कैसे वो सब्जेक्ट को वो आपके लिए इजी बना के दे सकता है, आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको आइडियाज दे सकता है, आपको स्ट्रेटेजीज दे सकता है, तो क्या होगा पता है? आफ्टर फ्यू डेज दैट सब्जेक्ट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, which otherwise could have become very, very, very difficult for you. Just for example, अगर आपको एक हफ्ते के लिए विराट कोहली के साथ रहने का मौका मिले तो क्या होगा? आपकी बैटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी या नहीं होगी? आपका क्रिकेटिंग नॉलेज इंप्रूव होगा या नहीं होगा? आपको अगर क्रिकेट नहीं भी पसंद था बट जस्ट बाई बींग विथ हिम आपको क्रिकेट की बहुत सारी चीजें पसंद आने लगेगी। सेम वे आपको जो सब्जेक्ट नहीं पसंद है उस सब्जेक्ट के विराट कोहली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसको बोलिए कि सपोर्ट मी, और आपके लिए वो सब्जेक्ट धीरे धीरे इजी बनता जाएगा। और फिर ऐसा होगा कि आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपको बहुत सारे नए आइडियाज आएगा, आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे, एंड आफ्टर अ पॉइंट वो सब्जेक्ट के शायद आप एक्सपर्ट भी बन सकते हो। एंड देन कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ चेन लर्निंग, यानी कि पहले आपने किसी से सपोर्ट मांगा था, अब आप वो सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो गए हो, अब आपको उस सब्जेक्ट के लिए किसी और को सपोर्ट करना है जिसको ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है। एंड ये तो आपने बहुत सारे लोगों के पास से सुना होगा और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात को अग्री करते हैं कि बेस्ट वे ऑफ लर्निंग समथिंग इज टीचिंग दैट सेम थिंग टू समवन एल्स। क्या आपने रंग दे बसंती मूवी देखी है? उसमें आमिर खान को मालूम है एक स्क्रिप्ट लर्न करनी थी, तो वो क्या करता है, वो चाय वाले को बुलाता है, उसको वो स्क्रिप्ट बताता है, अपनी माँ को स्क्रिप्ट बताता है, यहां तक कि अपनी भैंस को जाके भी वो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बताता है। उससे होता क्या है कि उसने इतनी बार वो स्क्रिप्ट को बार बार बोला कि वो स्क्रिप्ट उसको याद रह गई। और दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्टर्स, दे डोंट ओनली हैव टू रिमेंबर द स्क्रिप्ट, दे हैव टू डू दोज इमोशंस ऑल्सो, एक्सप्रेशंस भी बताना है, वो जेस्टर्स, वो पोस्चर्स, वो टोनालिटीज, दे हैव टू डू एवरीथिंग एज इट इज। और वो लोग वो करते भी है और उनके परफॉर्मेंसेज हमको सालों तक याद रहते हैं जस्ट बिकॉज वो लोग बार बार वो चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से आपको जो भी लर्न करना है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उसकी जितनी ज़्यादा बार आप कॉन्वर्जेशन करोगे, उसको जितनी बार आप बोलोगे, उसके बारे में चर्चा करोगे, उसको किसी और को सिखाओगे, वो आपके लिए आसान होता जाएगा। एंड दैट्स वॉट इज द पावर ऑफ चेन लर्निंग। दिस इज एन अनयूजुअल वे
एंड अ वेरी पावरफुल वेरी इफेक्टिव वे जिससे कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपने मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को अपने आसान सब्जेक्ट्स बनाए हैं जो आप भी कर सकते हो. सो आज से ही शुरू कर दीजिए ये चेन लर्निंग विच इज द थर्ड वे विच आई वॉन्टेड टू गिव यू. सो लेट्स गो टू द फोर्थ एंड द फाइनल टेक्निक, द टेक्निक फॉर दोज हु वॉन्ट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड द नेम ऑफ द टेक्निक इज एक्स्ट्रा इनिंग्स. अगर आप कुछ चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते हो देन यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम. और वो कितना देना है पता है आपको? जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उसको इजी बनाना है आपको पर वीक ओनली एंड ओनली 2 hours एक्स्ट्रा देने हैं फॉर नेक्स्ट 6 weeks. दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक. हमने हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको हम पर्सनल मेंटोरिंग देते हैं ऑन मेमोरी ऑन स्टडी स्किल्स एंड ऑन वैरायटी ऑफ टॉपिक्स उनको हमने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा. 6 हफ्तों की एक टास्क उनको दी कि आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है उस सब्जेक्ट को आप वीकली जितने आवर्स के लिए पढ़ाई करते हो फॉर नेक्स्ट 6 weeks आपको उन सब्जेक्ट्स को 2 ज्यादा घंटे देने हैं. यानी कि सपोज आपको साइंस डिफिकल्ट लगता है और आप एवरी वीक साइंस 5 घंटे के लिए पढ़ते हो तो नेक्स्ट 6 weeks के लिए आपको साइंस 7 hours के लिए पढ़ना है. अगर आप 8 घंटे के लिए पढ़ते थे आपको 10 घंटे के लिए पढ़ना है डेली नहीं वीकली. सिर्फ 2 घंटे एक्स्ट्रा एवरी वीक देने से जब हम उन्होंने वो शुरुआत की हमने 3 हफ्ते के बाद जब उनका फीडबैक लिया तो 17 out of 20 स्टूडेंट्स गेव अस द फीडबैक कि उनके लिए वो सब्जेक्ट बहुत इजी बनता जा रहा है. और 6 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते के बाद जब हमने उनका वापस फीडबैक लिया तब पता चला कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट जो 6 हफ्ते के पहले बहुत डिफिकल्ट था वो बहुत आसान हो गया. और कुछ स्टूडेंट्स की तो जब एग्जाम्स भी कंप्लीट हुई तो उन्होंने हमें ये फीडबैक दिया कि उनको उस एग्जाम में 20 to 30 marks ज्यादा आ गए जस्ट बाय डूइंग व्हाट, जस्ट बाय स्पेंडिंग 2 extra hours फॉर द एंटायर वीक. यही आपको करना है नेक्स्ट 6 हफ्तों के लिए एंड यू विल सी द मिरेक्युलस रिजल्ट्स, यू विल सी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट. और आपको पता चलेगा जो सब्जेक्ट को आप डिफिकल्ट मानते थे वो उतना डिफिकल्ट है नहीं, वो बहुत आसान है. दिस इज द पावर ऑफ गिविंग एक्स्ट्रा टाइम. जिसको आप ज्यादा टाइम देते हो, ज्यादा अटेंशन देते हो, ज्यादा फोकस देते हो, ज्यादा एनर्जी देते हो, वो चीज आपके लिए इजी हो जाती है. सो ये चीज को भी आपको इंप्लीमेंट करना है फॉर नेक्स्ट 6 weeks एंड यू विल सी द रिजल्ट्स फॉर विच यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. सो दीज वर द 4 techniques जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि कैसे आप आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को बहुत ईजी बना सकते हो. प्लीज कॉमेंट कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा पसंद आई जिसको आप इंप्लीमेंट करोगे और आप आपकी स्टडीज को और इजी बनाओगे. इन दी एंड मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा जो आपको मोटिवेट करेगा ये सारी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए. अगर मैं आपको कहूं कि कल आपको प्लेन चलाना है व्हाट विल बी योर रिएक्शन? यू विल बी लाइक कि मैं कैसे प्लेन चला सकता हूं. लेकिन अगर मैं एक पायलट को कहूं कि प्लेन चलाना है तो उसके लिए ये बहुत आसान होगा, उतना आसान जितना आपके लिए साइकिल चलाना है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वेरी सिंपल, उसने उस चीज की ट्रेनिंग ली है और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस किया है तो उसके लिए प्लेन चलाना बहुत आसान है. सेम वे यहां पे मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये जो 4 ways है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जो हमने हमारी चैनल पे अपलोड किए हैं वो सारी चीजों को आप प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए सो दैट जो सब्जेक्ट्स आज आपके लिए प्लेन चलाने जितने डिफिकल्ट है वो कुछ वीक्स के बाद आपके लिए साइकिल चलाने जितने आसान हो जाएंगे. And you will become the topper in that subject, you will become the expert of that subject, और आप आपकी next exam में चाहो उतने marks score पर कर पाओगे. Thank you for watching this video. इस video को जरूर से like कीजिए, हमारी channel को subscribe कीजिए so that आप ऐसे बहुत सारे videos regularly देख सको. And do hit the bell icon ताकि आपको reminders भी मिलते रहे और ये videos को maximum students तक share कीजिए. You never know कौन से स्टूडेंट को इस चीज की जरूरत है और आपके शेयर करने से उसके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स इजी हो जाए और वो आपको थैंकफुल रहे. थैंक यू सो मच.